नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो देखा, मैंने पहले वीडियो दिखा दिया ताकि आपको ये अंदाजा लग जाए कि आखिरकार खेसारी लाल यादव का बिहार में किस तरीके से तांडव नजर आ रहा है। बात करें तो ये वीडियो मैं नहीं बता पाऊंगा कहाँ का है क्योंकि ये फेसबुक से मिला था, तो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी आप ये सोच सकते हैं कि खेसारी लाल यादव जो है वो डिजिटल सुपरस्टार है, भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार है। लेकिन इसके बावजूद भी ऑनलाइन के अलावा फिजिकली भी इस गाने को काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। मतलब उद्देश्य साफ है कि इस गाने को पूरे बिहार में इस तरीके से बजाना है कि इस बार का होली का जो गाना है वो पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के एक इतिहास के पन्नों में छप जाए और सबसे बड़ा गाना के रूप में उभर जाए। इसीलिए शायद लोग डिजिटली प्लेटफॉर्म के साथ साथ जो है अब पब्लिसिटी जो है वो फिजिकली भी करने लगे हैं, गाड़ी का सहारा ले रहे हैं। और जिस तरीके से देख रहे होंगे कि ये पिकअप पर किस तरीके से उनका गाना 2 रुपया वाला का पोस्टर लगा हुआ है और वो घूमते नजर आ रहा है और साथ में गाने बजते भी नजर आ रहे हैं। तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है और खास करके खेसारी लाल यादव के लिए और खेसारी लाल यादव के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है कि इस प्रकार की चीजें भोजपुरी इंडस्ट्री में कई सालों बाद जो है देखने को मिली है। वैसे कमी ऐसा होता है कि अब जो है लोग YouTube पे कर देते हैं रिलीज, Facebook पर शेयर करते हैं, WhatsApp को एक दूसरे से फॉरवर्ड करते हैं, या फिर कहीं शादी डीजे वगैरह होता है तो वहां पर गाने को बजाकर प्रमोट किया जाता है। लेकिन इतना बड़ा गाना हिट होने के बाद, इतना बड़ा इतिहास बनाने के बाद भी खेसारी लाल यादव का अगर पिकअप से गाने को प्रमोट किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक यूनिकनेस दिखता है और कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाता है ये कि इस गाने को एक बड़ा इतिहास बनाने के कगार पर इस गाने को पूरे तरीके से प्लानिंग किया जा रहा है। बात करें तो ये गाना जो है पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में इतिहास रच दिया है और 1 घंटे में 4,79,000 से ज्यादा व्यूज गेन करने वाला भोजपुरी का ये पहला गाना बन गया है। इससे पहले खुद खेसारी लाल यादव का 4,57,000 था, लेकिन उसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब इस कदर आगे पहुंच गया है कि ये गाना पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बड़ा इतिहास रच दिया है। तो वहीं इस गाने को जिस तरीके से अखिलेश कश्यप ने कहा कि 1 घंटे में लगभग 6,35,000 के अराउंड में इस गाने पर व्यूज चले गए थे, तो वहीं 2 घंटे में 1 मिलियन की बात कही थी। लेकिन आदिशक्ति जो फिल्म ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज गाने को किया गया है उसमें 3 घंटे में 1 मिलियन बताया जा रहा है। लेकिन फिर भी ये गाना 3 घंटे में अगर 1 मिलियन भी अचीव किया है तो ये बहुत बड़ी बात है और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए इतिहास की बात है। बात करें तो इस गाने को खूबसूरत आवाज जो है खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका ने दिया है, तो वहीं अखिलेश कश्यप जो है इस गीत को लिखे हैं। वहीं खेसारी लाल यादव के साथ इसमें खूबसूरत डांस जो है अनिशा पांडे खेसारी लाल यादव के साथ डांस करते नजर आई हैं। म्यूजिक की बात करें तो श्याम सुंदर जो है इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं। एक्ट्रेस की बात करें तो अनिशा पांडे हैं और इस गाने को अब तक जो है 8 घंटे में, महज 8 घंटे में 1.6 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, तो वहीं 1 लाख से ज्यादा इस पर लाइक्स मिल चुके हैं और लगातार ये गाना आगे बढ़ रहा है। और देखकर बहुत खुशी हुआ, इस गाने को अब जो है गांव ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया जा रहा है जहां पर इंटरनेट की सुविधा थोड़ी सी कम है, या फिर ऐसे लोग जो इंटरनेट नहीं चलाते हैं वो भी खेसारी लाल यादव के इस गाने को इस पिकअप के प्रमोशन के माध्यम से सुना जा सके और इस गाने को इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर बना दिया जाए कि ये गाना पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में इस बार का सबसे बड़ा गाना होली का होना चाहिए। जिस तरीके से पुराने समय में यानी कि खेसारी लाल यादव का जिस तरीके से 2020 का होली आया था उसमें उनका ये गाना भतीजा तोरा माइयो जिंदाबाद जो गाना था वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा धमाल मचाया था, तो एक अच्छी पहल है और इस पहल को हम भी अप्रिशिएट करते हैं और बधाइयां देते हैं कि इस प्रकार की चीजें जो है वो कर रहे हैं तो उनका और भी गाना ब्लॉकबस्टर ओके। बाकी इस चीज को देखा आपने तो आपकी क्या राय हो सकती है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़िए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।